हिमाचल प्रदेश कांग्रेस अनुसूचित जाति विभाग ने हमीरपुर में भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 127वीं जयंती समारोह पर कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शिरकत की। इस अवसर पर बड़सर विधायक इंद्रदत्त लखनपाल, विधायक राजेंद्र राणा, राजेश धर्माणी, सुरेश कुमार भी मौजूद रहे। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष सुखविंदर सिंह सुक्खू ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती पर उनके दिखाए गए पदचिन्हों पर चलने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि भीमराव अंबेडकर की जीवनी और कांग्रेस पार्टी के लिए योगदान अमूल्य रहा है, जिसमें कार्यक्रम में प्रकाश डाला गया है। सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि कांग्रेस पार्टी किसी भी बदलाव के खिलाफ नहीं है और कांग्रेस की नीति है कि सबको सम्मान मिलना चाहिए। आज हमारे उस विचारक का कार्यक्रम थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, जिन्होंने संविधान की नींव रखी और समाज में एक रूपता आए। इस संदर्भ में उन्होंने जो सोच अपने संविधान के द्वारा जो प्रकट की गई थी, उस संदर्भ में जिला अधिवेशन था और इसमें हमारे जो मुख्य कार्यक्रम जो है था वो भीमराव अंबेडकर जी की जीवनी और कांग्रेस पार्टी में उनका योगदान किस प्रकार से था, इस बारे में विचार रखे गए। कांग्रेस पार्टी किसी भी प्रकार के बदलाव के खिलाफ है। सबको समान अधिकार मिलना चाहिए, सबको समान अधिकार का सम्मान होना चाहिए, ये कांग्रेस पार्टी की नीति है। वहीं पूर्व सीएम वीरभद्र सिंह के बयानों पर सुक्खू ने कहा कि आज कांग्रेस एकजुट है और निश्चित कांग्रेस एकजुटता से आगे बढ़ रही है। नहीं, आज आप देखिए हमारे हमीरपुर जिला के सभी कांग्रेस एक मंच पर है, तो निश्चित तौर पर कांग्रेस एकजुटता से आगे बढ़ रही है। सुक्खू ने बीजेपी सरकार के 100 दिन के कामों पर टिप्पणी करते हुए कहा कि बीजेपी सरकार के कामों पर कांग्रेस की पूरी नजर है और सभी पहलुओं को गहनता से देखा जा रहा है। देखिए, सरकार ने 100 दिन का कार्यकाल खुद ही स्वीकार कर लिया कि अभी हमने छोटे मोटे कार्यक्रम किए हैं और आने वाले समय में उन्होंने 6 महीने में और कहा है कि हम अपना और टारगेट फिक्स करेंगे। अब देखते हैं टारगेट किस संदर्भ में फिक्स किया जा रहा है। विकास के लिए फिक्स किया जा रहा है, भ्रष्टाचार को दूर करने के लिए कंक्रीट नीति लाई जा रही है, युवाओं को रोजगार देने के लिए कोई नीति लाई जा रही है, इस सब पर कांग्रेस पार्टी का नजर रहेगी। नूरपुर बस हादसे को लेकर सुक्खू ने कहा कि प्रदेश सरकार को 10 दिनों का समय दिया है ताकि ठोस नीति बनाई जाए, इस तरह के हादसों पर अंकुश लग सके। उन्होंने कहा कि परिवहन नीति के साथ साथ लाइसेंस नीति भी ठोस बननी चाहिए। नूरपुर का जो हादसा हुआ है, कांग्रेस पार्टी बड़ा खेद व्यक्त किया। उसी दिन हमने शोक सभा का आयोजन किया गया। 27 नन्हे मुन्ने बच्चे या 29 के करीब नन्हे मुन्ने बच्चे जो अपनी जिंदगी का अगड़ा पड़ाव नहीं दे सके, हम सबको छोड़कर चले गए। इस प्रकार की दुर्घटनाओं पर रोक लगनी चाहिए और हमारी सरकार से ये भी अनुरोध है कि इस संदर्भ में कोई ना कोई ठोस नीति बनाई जाए, चाहे वो स्कूलों से संबंधित है या और भी परिवहन से संबंधित जो समस्या है उनको निपटने के लिए। स्कूल तो एक दुर्घटना के बाद याद आया, लेकिन कई बार घटनाएं ऐसी भी होती है कि एक एक जीवन जो है वो हमारे लिए मूल्यवान होता है। इसलिए परिवहन नीति ठोस होनी चाहिए, लाइसेंस बनने की नीति भी ठोस होनी चाहिए ताकि उसमें सुधार हो सके। और इस प्रकार की ठोस नीति लेकर अगर वो अगले 10 दिन में आते हैं तो कांग्रेस पार्टी उस नीति का भी अध्ययन करेगी। दिनों दिन बढ़ रही बलात्कार की घटनाओं पर सुक्खू ने कहा कि कठुआ में हुए बलात्कार के विरोध में शिमला में देर शाम को कैंडल मार्च का आयोजन किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि हिमाचल देवभूमि है और इस तरह की घटनाएं दर्दनाक हैं। सुक्खू ने कहा कि कैंडल मार्च के तहत इस घटना की निंदा की जाएगी। हिमाचल देवभूमि है और हिमाचल में इस प्रकार की घटनाएं दर्दनाक है, पीड़ा होती है जब इस प्रकार की घटनाएं होती है। पार्टी का ये मानना है कि सरकार को इस मामले में कोई ना कोई ठोस कदम उठाने की जरूरत है। जैसे कठुआ और अनुवाद में 2 मामले हुए, उन मामले में कोई टिप्पणी करेंगे आप? देखिए, हमारा आज कैंडल मार्च है शिमला में, राजधानी में। शाम को हम 6:30 बजे कैंडल मार्च के रूप में इस जो जघन्य घटना हुई है इसकी पार्टी निंदा करती है। बड़ा दुख होता है, एक 8 साल की बच्ची जिसे जीवन का कुछ पता नहीं होता, उसके साथ बलात्कार कर दिया जाता है और बलात्कार करने के बाद उसकी हत्या कर दी जाती है। वो किसी धर्म को प्रतिनिधित्व नहीं करती थी, वो किसी जाति का प्रतिनिधित्व नहीं करती थी, वो तो एक इंसानियत होनी चाहिए कि इस प्रकार की घटनाओं का पूरे समाज को विरोध करना चाहिए और समाज में जो व्यक्ति ऐसा काम कुकर्म और कृत्य करते हैं उनका समाज को उठकर पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर उठकर विरोध करना चाहिए। सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि आने वाले समय में हिसाबदेह सांसद जवाबदेह सांसद के तहत सांसदों से सवाल पूछे जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस का मकसद सांसदों से जब सवाल पूछना है कि अपने कार्यकाल में क्या काम किए हैं।
कांग्रेस पार्टी ने कार्यक्रम शुरू किया है, हिसाब दे सांसद जवाब दे सांसद। आने वाले समय में पूरे प्रदेश में वो शुरू हो चुका है। मैं अभी खुद 3-4 विधानसभा क्षेत्रों में जा चुके हैं। हमारा संबंध सिर्फ उन 4 सांसदों से सवाल पूछना है जिन्हें इतिहास में 4 सीटें पहली बार भारतीय जनता पार्टी को जीत कर मिली थी, कि आपने इन 4 सालों में हिमाचल प्रदेश को क्या दिया और क्या किया।